और अब बात करेंगे उपचुनाव की, तो उत्तराखंड की एक विधानसभा सीट और उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा एक विधानसभा सीट के लिए मतदान हो रहा है। बिजनौर की अगर बात करें तो वोटिंग के बीच सरकार पर विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया है। सपा के दो विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया है। विधायक तस्लीम अहमद और मनोज पारस ने धांधली का आरोप लगाया और कहा है कि 100 से ज्यादा ईवीएम खराब है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो खराब है। सपा विधायकों ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की और कहा है कि यहाँ पर हथकंडे अपनाकर धांधली कर बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, सरकार ने जानबूझकर मशीनों को खराब किया है। तो सपा के दो विधायक जो आरोप लगा रहे हैं कि 100 से ज्यादा ईवीएम खराब है और इसके पीछे यूपी सरकार का हाथ है, जो इस तरह के हथकंडे अपनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। अरशद जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अरशद, क्या ये घटनाएं सामने आ रही थी क्या लगातार, किस तरह के आरोप किस आधार पर लगा रहे हैं सपा विधायक? देखिए मैं आपको बता दूं, जो है सुबह से 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, इसको लेकर लगातार बिजनौर के नूरपुर विधानसभा उपचुनाव में मतदान को लेकर लगातार ईवीएम पे सवाल उठ रहे थे, मशीन पे सवाल उठ रहे थे। और ये सपा से विधायक है नगीना से मनोज पारस, इन्होंने साफ तौर पे चुनाव आयोग को शिकायत की है, लिखित में शिकायत की गई है, साथ ही पार्टी प्रवक्ता को भी शिकायत की है इन्होंने लखनऊ में। इसमें साफ तौर पर इन्होंने लगाए 113 मतदान स्थलों पर ईवीएम मशीन खराब होने की इन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत की है और काफी देर तक जो है ईवीएम मशीन बाधित रही है और इनका कहना कि अब भी कई जगह पर ईवीएम मशीन बाधित है। तो इसका लेकर साफ तौर पे जो है जो सपा के यहाँ से जो विधायक है उनका साफ तौर पे आरोप है कि बीजेपी जो है इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रशासन को जो है प्रशासन से जो है ईवीएम मशीन जो खराब है उसको ना सुधरवाने और बार बार एक ही बूथ पर जो है दो दो चार चार बार खराब होने का क्या मतलब निकलता है। तो अरशद बीजेपी आरोप जी जी, तो क्या किसी तरह की कोई शिकायत करने वाले हैं, कोई आगे कार्रवाई के लिए कह रहे हैं सपा विधायक? जी मैं आपको बता दूं, सपा विधायक का साफ तौर से जो है बयान है, उन्होंने साफ तौर पर साफ कर दिया है कि उन्होंने लखनऊ चुनाव आयोग से इस चीज की शिकायत कर दी, भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में इन्होंने शिकायत करी है और साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है उनको भी इस बात की सूचना दे दी गई है मेल के माध्यम से और फैक्स के माध्यम से कि यहाँ पे जो है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी कराई जा रही है और मशीनें खराब है। इन सबके बीच अरशद ये बताएं कि क्या मतदान चल रहा है कहीं, ऐसा तो नहीं है की सारी मशीनें खराब होगी, बाकी जगह किस तरह की स्थिति है? नहीं, मतदान जो है सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन जो सपा विधायक को कहना है कि 113 जगह पे जो मतदान स्थल है वहाँ पे जो है ईवीएम मशीन खराब है। हाँ। और कुछ गांव में भी जो है यहाँ पे गरीपुर गांव पड़ता है, वहाँ के भी लोगों का कहना है कि दो बार तीन बार जो है मशीन जो है खराब हो चुकी है, हम जब भी वोट देने जाते हैं तो कहते हैं जब मशीन ठीक होगी तो आइएगा। गांव वालों का साफ कहना है कि वो कम से कम 3-4 बार, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि हम रोजे से हैं और इसके बावजूद भी हमने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन को लगातार ईवीएम मशीन की शिकायत दी थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कह क्या रहा है प्रशासन यहाँ पर अरशद? जाहिर सी बात है, इतनी तेज धूप है, रोजेदार भी है और बार बार आना जाना, फिर इससे ये होगा कि वोट ही नहीं डालेंगे, तो प्रशासन क्या कह रहा है यहाँ पर? प्रीति मैं आपको बता दूं, सुबह से ही जो है मतदान को लेकर जो है ईवीएम मशीन की शिकायतें आती रहेंगी। हम कई बार जो है यहाँ पे जो है सीडू इनमणि त्रिपाठी है अन्य जिला कार्य, लेकिन वो कुछ भी मीडिया के सामने कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना जरूर कहा उन्होंने हमसे जो है पर्सनली तौर पे कि हम जो है इसको ठीक करा रहे हैं और जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन जो है मीडिया में कोई जो है ना तो बयान देने के लिए तैयार है ना तो कोई बात बता रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरशद आपका जानकारी के लिए। तो ईवीएम खराब हो रही है, जिसको लेकर आरोप ये है कि जानबूझकर खराब मशीनें लाई गई है जिससे मतदान में धांधली की जा सके। आगे बढ़ेंगे।